I am a devil of my word. I'm a boy, move that body. It's the night I'm naughty, naughty. Mess with me like it's my body. तो गाइस रिसेंटली मैंने शॉर्ट्स के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी थी आई एम ए डेविल ऑफ माय वर्ल्ड और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ट्यूटोरियल लगाओ, तो मैंने सोचा चलिए ट्यूटोरियल बना ही देते। तो गाइस मेरा नाम है लोकेश किची, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोकेश की जीवन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा, इस वीडियो को एडिट करने के लिए मैंने एक वीडियो और उसके बाद चार फोटो यूज करे जो कि सेम उसी ड्रेस में अलग अलग पोजेज है। आप चाहो तो पांचों वीडियो यूज कर सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने क्या करा, एक वीडियो यूज करी जिसमें मैं आता हूँ, उसके बाद अलग अलग फोटोज चलती है मेरी जो कि मिलता जुलता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा लग रहा है, आप भी चाहो तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करे, जैसे किसी के पंख आ रहे हैं पीछे, वो डेविल के साउंड के हिसाब से मैच खाते हैं, अच्छे लगते हैं वो टाइप के, लेकिन आप भी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। फिलहाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे इन वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन चलेंगे कैपकट ऐप के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी ऐप्स वगैरह, जितने भी साउंड्स म्यूजिक यूज करूँगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट में और यहाँ से मेरी एक वीडियो जिसको मैं यूज करने वाला हूँ तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं। चलते हैं ऐड ऑडियो में और यहाँ से मैं साउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सट्रैक्टर में चल के। तो यहाँ पे मेरी वीडियो, इससे आप साउंड इंपोर्ट कर सकते हो, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं वीडियो साउंड इंपोर्ट करने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत सारे म्यूजिक पड़े तो साउंड में आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बीट मार्क कर लें ताकि अपने फोटोज और वीडियोज को स्प्लिट करने में आसानी हो। तो क्लिक करेंगे ऑडियो के ऊपर, यहाँ पर जो मैच कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले सुनते साउंड को। तो फर्स्ट बेस्ट ड्रॉप यहाँ पे, और अब 8 बीट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे बीट मार्क हो जाएगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो बीट मार्क कर ली, ब्रेक चलता है। तो अपन फोटोज ऐड कर लेते हैं, प्लस के आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ पे फोटोज में चलते हैं और डेविल वाले फोल्डर के अंदर मेरी फोटोज पड़ी है। वीडियो के अंदर मैंने फोटोज को कलर ग्रेड कर रखा था, इसमें नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं कोई से तीन फोटोज ऐड कर लेता हूँ, एक ये हो गई और एक मैंने ये ऐड करी थी, ठीक है। ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने चारों फोटो ऐड कर ली। अब अपन क्या करेंगे, फोटो को फिल स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे दोनों ब्लैक बार आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, फोटो को क्लिक करेंगे, दोनों उंगलियाँ रखेंगे फोटो पे और इसको जूम कर लेंगे। ऐसे आपको सारी फोटोज को जूम कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, चलते हैं वीडियो पर और वीडियो को साउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन थोड़ी सी स्पीड के साथ में खेलेंगे और वीडियो थोड़ी सी ड्रामेटिक और सिनेमेटिक लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। तो स्पीड में चलेंगे, यहाँ पे कर्व में चलेंगे और कस्टम में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक हो गई, ठीक है। यहाँ पे कट देना है फर्स्ट बीट यहाँ पे, तो वीडियो पर क्लिक करेंगे और ये स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, राइट वाले पार्ट को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फोटोज को भी अपन स्प्लिट कर लेते हैं साउंड के हिसाब से। ये हो गया, और फिलहाल मैं थोड़ा सा कलर ग्रेड कर देता हूँ ताकि वीडियो मैच खा जाए। तो फोटो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट में जाएंगे, सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ फुल और हाईलाइट कम कर देता हूँ, शेडोज बढ़ा देता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस के साइड, बाकी सब ठीक है। इसको अप्लाई टू ऑल कर देता ताकि सारी फोटोज़ भी हो जाए। तो ये अपनी वीडियो पे भी हो गया, तो वीडियो से रीसेट करेंगे अपन, सिर्फ फोटो फोटो पर रह जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैच खा रहा है,
अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन इसमें दे देते हैं एनिमेशन, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन में चलेंगे, यहाँ पर इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे अपन सेलेक्ट करेंगे ये वाला स्विंग टॉप राइट, ये वाला, ठीक है। तो इसका ड्यूरेशन अपन एक सेकंड कर लेते हैं। ऐसे ही आपको सारी फोटोज पे ये वाला एनिमेशन दे देना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल्ड बता रहा है तो आपको क्या करना है, टर्बो वीपीएन में चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेट ऑन कर देता हूँ और राइट साइड में क्लॉक का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे यूके के सर्वर से कनेक्ट करवा लेना है, ठीक है। तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। आप चलते हैं बैक कैपकट के अंदर, मैं ऐसे ही सारी फोटोज पर ट्रांजेक्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सारी फोटोज पर एनिमेशन दे दिए, अब अपन इस पर क्या इफेक्ट्स देंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्टिंग में और चलेंगे इफेक्ट्स के अंदर, ये रहा इफेक्ट। यहाँ से अपन चलेंगे पार्टी के अंदर, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा डीले के नाम से, सबसे नीचे ये रहा डीले, ठीक है। और इसको कर लेते हैं डन। अब अपन यहाँ पे इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो एयर इफेक्ट में वापस चलेंगे और यहाँ पे अपन इफेक्ट देंगे पल्स वाला, ठीक है। यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ड्रैग करके थोड़ा सा लेफ्ट ले आता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ तक छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको जितना भी कट देगा फोटो के बीच में वहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अपन इसे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे जो भीड़ है ना इसके बीच में, वापस कॉपी करेंगे और ऐसे अपन जहाँ जहाँ पे ये बीट है उसके जस्ट बीच में लाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई देखा आपने कितने इजी में अपन ने ये वाली वीडियो एडिटिंग कर ली। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। जाओ जाओ, हो गया ना काम, जाओ ना तो लाइक करना है वीडियो को, ना सब्सक्राइब करना है चैनल को, ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, कुछ नहीं करना। बाय बाय।